Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 5th. Today in this topic we are know about the fractions, equivalent fractions, and comparing the two fractions which are equal to, greater than or more than. Then let's start. बात करते हैं first equivalent fraction की. Then equivalent fraction means what? Means a fraction which numerator and denominator are changed, but its real meaning यानी real value जो वो same हो. कहने का मतलब कैसा, जैसे कि example आपको बता रहा कि जैसे कि suppose that we have a circle, we have a circle, suppose that we can divide it into parts and take one part. अगर इसमें से one part को ले लेते हैं तो ये क्या represent करता है, ये आपको represent करेगा 1/2, क्योंकि 2 में से आपने 1 लिया हुआ है, यानी हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है. सपोज दैट वन थिंग डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट, और आपने उसमें से दो पार्ट को टेक अप कर लिया, लाइक दिस. क्लियर? इसे रिप्रेजेंट करेंगे 4 में से 2 लिया, इसलिए आप ऐड करेंगे 2/4. क्लियर? और ये आपका रिप्रेजेंट करेगा, ये भी आपका हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि 4 में से 2 लेते हैं. क्लियर? लेकिन आपका फ्रैक्शन लिखा गया है 2/4. सिमिलरली सपोज दैट वन थिंग and we are divided into the 6 equal part and taking 3 part, उनमें से 3 ले लेंगे, इसे लिखेंगे 3/6. clear? like this we can also divide anything in 8 equal part and take 4 things, like this write it 4/8. इस सभी में देख लीजिए 1/2 means half, 4 में से 2 लेने का मतलब भी हाफ, और 6 से 3 लेने का मतलब भी हाफ, और जो है आपका 8 में से 4 लेने का मतलब भी हाफ है. इस तरीके से 1/2, 2/4 एंड 3/6 इक्वल टू 4/8, दीज ऑल आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. यानी फ्रैक्शन जिनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही चेंज है लेकिन एक दूसरे के इक्वल है, इन्हें हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. क्लियर हुआ? तो इस तरीके से फिगर बना के आपको हमेशा राइट करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, समझाने के लिए बताया कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मीनिंग क्या होती है. अगर आपको जानना हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, किसी फ्रैक्शन के इक्वल अगर आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर राइट करने की जरूरत पड़ती है तो जनरली आप देख सकते हो आपको क्या करने हैं, तो इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर पे मल्टीप्लाई करने हैं. जैसे अगर आपको 2/3 के इक्विवेलेंट 3 फ्रैक्शन राइट करने की आपको जरूरत पड़ती है तो आप इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आफ्टर दैट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 3, वंस अगेन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 4. और ज्यादा फाइंड करने हो तो उसमें 5, 6, 7 और भी नंबरों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसमें जो रिजल्ट आएंगे, जैसे यहाँ जाएगा 4/6, ये आपका रिजल्ट होगा 6/9, हर रिजल्ट आपका होगा 8/12. दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय 2/3. Get it out? इस तरीके से एक क्वेश्चन के ऊपर जो है इस तरीके से दिया गया, जो भी है 2, 3, 4 जितनी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कोई बोलेगा राइट करने को, तो आप अपने इस नंबर का मल्टीप्लाई करके राइट कर सकते हैं. क्लियर? तो ये रहा इक्विवेलेंट का क्वेश्चन. इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फाइंड कर सकते हैं, हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड कर भी फाइंड कर सकते हैं अगर कोई डिवाइड करने के फॉर्म में हो. अगर जैसे देखिए सपोज दैट वी हैव अ नंबर 24/46, तो हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं बाय द डिवीजन भी. जैसे कि हमें बस सर्च आउट करना होगा अ नंबर दैट विल डिवाइड बोथ डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर, दोनों को डिवाइड करता हो एक वैसा नंबर हमें सर्च करना होगा. जैसे इन दिस केस 24 एंड 46 बोथ आर डिवाइड बाय 2, तो एक बार इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. और भी हम देख सकते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइड बाय 4. क्लियर? एक और कर सकते हैं बोथ 24 एंड 46 डिवाइड बाय 6. इस तरीके से जो भी नंबर है जिनसे ये डिवाइड हो रहे हैं सर्च आउट कर सकते हैं और उसे डिवाइड करके रिजल्ट राइट कर सकते हैं. जैसे इन केस आएगा 12/18, इन्हें 12 करेंगे तो 6/9, और इसे करेंगे तो 4/6. क्लियर? और भी अगर नंबर से डिवाइड होंगे तो और भी हम राइट कर सकते हैं. इस तरीके से डिवाइड है तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं. क्लियर? ये रहा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का मेथड.
अब अगर आपको पहले से टू फ्रैक्शन या फिर इस पे ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे लिखा हुआ है 4/7 इक्विवेलेंट को लेकर 4/7 और उसमें न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर एक आपका दिया है जैसे 21 देन फिल दिस बॉक्स। तो क्लियर होना चाहिए कि हाउ कैन बिकम 7/21 क्योंकि फ्रैक्शन के वैल्यू जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई से बदलती नहीं है, एक सब्जेक्ट से बदल जाएगी। आप फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो एड या सब्ट्रैक्ट करके तो ये बना नहीं है, या तो डिवाइड करके बनेगा या तो मल्टीप्लाई करके, तो नंबर पहले से बड़ा है मल्टीप्लाई करके बना होगा। तो 7 में किसका मल्टीप्लाई हुआ है तो 21 बना है, तो 21 को 7 से डिवाइड करके देख सकते हैं या 7 का टेबल ही पढ़ लीजिए, 3 times में 21 आया है, इसका मतलब 7 × यहाँ पे 3 हुआ है। तो जब यहाँ पे 7 × 3 हुआ है तो 100% आपका यहाँ पे 4 × 3 ही होगा, यानी 4 × 3 = 12, यानी 12 जो है इस बॉक्स का राइट आंसर होगा। क्लियर। वन मोर इन अ डिफरेंट टाइप क्वेश्चन, सपोज दैट वी हैव राइट 15/48, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अब आपको डिवाइड फॉर्म में देते हैं। अब इनमें आपका गैप हुआ है, यहाँ पे एज अ न्यूमिनेटर आपको फाइंड है एंड वी हैव टू फाइंड द डिनोमिनेटर। क्लियर। तो हमने बताया कि फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर का डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नंबर पहले से बड़ा है यानी मल्टीप्लाई किया गया है किसी नंबर का, और पहले से छोटा है यानी डिवाइड हुआ है। 15 को किस नंबर से डिवाइड किया गया होगा कि 5 आया होगा, हमें ये सर्च करना है। क्लियर। तो आप देख सकते हो 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो हमें वो नंबर पता हो जाएगा, यानी 3 हुआ आपका वो नंबर, 5 × 15, यानी 15 divided by 3 देन बिकम 5, सो दैट 48 divided by 3, इनको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3 एंड 3 × 6 = 18। क्लियर। यानी राइट जवाब हमारा यहाँ पे 16 होगा। क्लियर। इस तरीके से जो भी माइंड अप होंगे हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। यही हमें जानना और कुछ नहीं, ये रहा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लेके क्वेश्चन। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये तो रहा इक्विवेलेंट को लेकर। इसके बाद अब आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपको गिवन नंबर हो 5/6 एंड वन थिंग 4/9 एंड नाउ वी हैव टू कंपेयर इट एंड कन्वर्ट इट टू द लाइक फ्रैक्शन। अब हमें सीखना है कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। अब हमें पढ़ना है, चेंज करना है किस तरीके से जो हर लाइक फ्रैक्शन है, ये जो वन लाइक फ्रैक्शन है इनको जो है हमें जो है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो या चेंज करेंगे तो इसलिए हमारा रूल है जो डिनोमिनेटर है पहले उसका हम एलसीएम ले लेंगे, यानी जैसे कि एलसीएम ऑफ 6 और 9 आपने पढ़ा है, 6 और 9 का एलसीएम पहले आप निकाल लेंगे। जैसे 6 के लिए क्या करते थे ÷ 2 ÷ 3 और 9 के लिए ÷ 3 ÷ 3 लाइक दिस। दिस मीन्स 6 = 2 × 3 एंड 9 = 3 × 3। नाउ फाइंड द एलसीएम 1, 2 and 3, 3 × 3 = 9, 2 = 18। क्लियर। ये रहा 18 आपका एलसीएम। अब 18 आपका एलसीएम हो जाएगा तो इसी एलसीएम में डिनोमिनेटर को इनके डिवाइड करेंगे और जो आएगा न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5/6 के लिए जो नंबर आपका डिसाइड होगा तो आप इसके 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। लाइक इज बिहेव ऑफ 4/9, 9 से डिवाइड करिए 18 को तो 2 आएगा, यानी इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई होगा। वंस टाइम मोर आपको पहले क्या करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों का एलसीएम ले लेना है। क्लियर। और ये जो एलसीएम आपका आ जाएगा 18 जैसे आया है, इसको जो है हम दिए गए डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे जो आएगा वो फर्स्ट के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, और सेकेंड के डिनोमिनेटर से जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे जैसे 2 आया है सेकेंड वाले के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा। अब इस तरीके से जो रिजल्ट आएगा देखिए वो लाइक फ्रैक्शन का ही होगा,
फाइव टू जा 15/18 और 4 टू जा 8/9 टू जा 18, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। इस तरीके से जो फ्रैक्शन हमारा है लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने को आता है, और इस तरीके से हम जब लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो हम इसके बाद जो है फ्रैक्शन को कंपेयर करना होगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं, आर इक्वल टू कर सकते हैं, या इस तरीके से और भी ज्यादा दिए रहेंगे तो सबका एक साथ निकाल के और उनके डिनोमिनेटर से डिवाइड करके इस मेथड से हम उनको भी इक्वल कर सकते हैं और उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में राइट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑन दिस बेसिस अभी आज जो हमने बताया इसके ऊपर जो है आप जो है ये जो आपका एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7B, इसका जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप कर सकते हो। आपको एक फ्रैक्शन दिया है उसके इक्वल टू एक न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर दिया हुआ है, ऑन द बेसिस आपको जो डिसेप्टिव है उसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है दिए गए फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है दिए गए इक्वेशन के इक्वल टू जो है इक्विवेलेंट दो फ्रैक्शन राइट करने हैं वो भी डिवीजन करके और 2 वाले में मल्टीप्लाई करके। आपको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों बताया है, 2 वाले में उसमें मल्टीप्लाई कर करके निकालने हैं और 3rd वाले में डिवाइड कर करके निकालने हैं। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे वो आपके होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और 4th वाले में दिए गए फ्रैक्शन को हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आप जो है आज के बताए गए रूल्स पे जो है सॉल्व करेंगे, और जो भी रिमेनिंग रूल्स है वो जो है कल जो है पहले ये क्वेश्चनों के एक बार रिमाइंड करा के आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। टिल देन थैंक यू।